ओके तो भैया एक बार फिर किसान मोर्चा जो कभी 2 साल पहले लगा था हो गया फिर स्टार्ट मार्च किसान मोर्चा 2.0। पहली बात तो भैया इसकी नौबत क्यों आई? और जो कह रहे हैं कि किसानों की डिमांड है कि ना, किसानों की कोई डिमांड नहीं भैया, वो इसलिए इकट्ठे हो रहे हैं क्योंकि ये सारा सरकार ने उनसे प्रॉमिस किया, ये डिमांड का नहीं है, ये प्रॉमिस का जो फुलफिल नहीं किया। जब लास्ट टाइम उन्होंने उस आंदोलन को ख़त्म किया था तो उनका प्रॉमिस था कुछ चीज़ों का, जैसे न्यूनतम मूल्य दर है, MSP, जैसे कि MSP है, और उनके ऊपर से जो झूठे केस किए गए थे वो केस वापस लेने का है, ये सब चीज़ें हैं कुछ जो उन्होंने फुलफिल भी नहीं की। ऑलराइट, सो और अब इस तरह से तैयारी की जा रही है जैसे वहाँ पे पाकिस्तान का अटैक होने लगा है। अगर पंजाब को तो वैसे ही हमेशा उन्होंने इंडिया से कट ही रखा है, तकरीबन पहली सरकारें हों या आपकी सरकारें हों पंजाब को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उससे, एटीट्यूड सबका सेम ही है उनके प्रति। तो अब जो तैयारी चल रही है वो बिल्कुल अलग थलग करने की है, और जिस तरह से जो अराजक तत्व काम करते हैं वहाँ पर वही काम सरकार कर रही है, पहले भी किए थे अब भी कर रही है। सड़कों पे कीले बिछाना, सड़कों को ब्लॉक करना, सड़कों को तोड़ देना, हमें तोड़ देना, सरकार का काम बनाना है तोड़ना नहीं। लेकिन भैया उनका जो चल रहा है वो करेंगे, बात वही है ना, जिसका जोर चलता है वो पूरा चलाता है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझता, वो अपने अधिकारों और अपने हक जो पावर उसके पास है वो उसको इस्तेमाल करता है, जो उसकी लायबिलिटी है उसे दरकिनार करता है, क्योंकि लायबिलिटी उनसे पूछने वाला कोई है नहीं। लेकिन एक बात आप याद रखें, ये जो जय जवान और जय किसान है ना, वो जवान के अंदर भी किसान है, उनका जो बेस है वो है तो किसान ही। अब भैया सीधा निकल के तो जवान बन नहीं गए, 7.5 साल उन्होंने NDA पास की नहीं है, जितने वहाँ पे अर्दली हैं, जितने वहाँ पे सिपाही हैं जो असल में आगे जाके लड़ते हैं तो वो किसानों के ही बेटे। अब इस बात को भूल कैसे सकते हैं, और सिर्फ पंजाब में किसान नहीं है, सारे भारत में किसान है, गुजरात में भी किसान है, अगर आपको ना पता हो तो। बहरहाल गुजरात को साइड में रखिए, वो तो गोल्डन स्टेट है पंजाब की और आगे भी होगी, इसमें कोई शक नहीं है। अब जिस तरह से इनको दरकिनार किया जा रहा है खालिस्तानी, तो कई बार मेरे को लगता है भैया ये ना खुद ही खालिस्तान बना के छोड़ेंगे, किसी और की तो इतनी बड़ी डिमांड है नहीं, बाहर कुछ लोग बैठे हुए हैं जो आवाज़ उठाते हैं, इंडिया में कोई आवाज़ नहीं है, इंडिया में आवाज़ सरकार की तरफ से आती है खालिस्तान 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 खालिस्तानी 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 बना के छोड़ेंगे भाई ये एक दिन। खैर एनीवे, ये कोई खालिस्तानी मूवमेंट नहीं है जो ये बना के दे रहे हैं, जो ये बना रहे हैं, ये रियली में किसानों के हक की लड़ाई है। जैसे आप कहते हैं ना कि भाई न्यूनतम दर को आप नहीं अप्लाई कर सकते क्योंकि इससे इकोनॉमिकल लॉस है, तो भाई उनसे बात कीजिए, और अगर कर्जे आप नहीं माफ़ कर सकते उनके तो भाई किसी के भी माफ़ मत कीजिए, कर्जे तो वाकई माफ़ नहीं होने चाहिए, किसी के भी नहीं होने चाहिए, लेकिन आप अपनों के कर्जे माफ़ कर दे हैं, उनके कर्जे आपको चुभते हैं, उनका इतना सा कर्जा, आपका तो भैया यहाँ से लेके आसमान तक का कर्जा माफ़, भैया उन कर्जों को रीइंस्टेट कीजिए उन पर कि भैया ये तुम्हें देने पड़ेंगे जिनके आपने माफ़ किए हैं, क्योंकि वो अफोर्ड कर सकते हैं। जैसे आप कहते हैं ना कि वो जॉब्स क्रिएट करते हैं, वो बिना देश के वो कुछ नहीं है, वो अपने लिए काम करते हैं, लोगों के लिए काम नहीं करते, जॉब क्रिएशन उन्होंने प्रॉफिट गेन के लिए किया है, उन्होंने दूसरों को जॉब देने के लिए नहीं किया। इतनी सी बात आपको समझ नहीं आती, लेकिन भाई आपके इलेक्शन फंड भी तो वहीं से आते हैं ना, आपके मुंह में तो भैया दही जमेगा ही, असल में प्रॉब्लम तो पॉलिटिक्स में आ जाती है, पार्टियों पर आ जाती है, डेमोक्रेसी में सारी पार्टियों की ज़रूरत क्या है, पहली बात तो पार्टियाँ होंगी तो गंद डलेगा, और ये गंद ही डल रहा भैया, चाहे पहले गंद डाला हिंदुस्तान में कांग्रेस ने, अब उससे डबल ट्रिपल गंद डाल रही है BJP, जिन्होंने साला 2014 से लेकर अब तक कुछ भी नहीं किया, राम मंदिर को लेकर बैठे हुए हैं, राम मंदिर के नाम पे आप राम राज की बात कर रहे हैं,
तो भैया अगर राम हो ना, किसी के साथ ऐसा हो किसी के साथ वैसा ना हो, उसी से सीख लो कुछ। और किसी बाप को नहीं मानते, एक बाप को तो मानते हो तो उस बाप की मान लो भाई, लेकिन नहीं, ठकोसलेबाजी है ये पॉलिटिक्स है। उनको राम मंदिर से कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी ने गेम किया है राम मंदिर के नाम पे शुरू से लेके अब तक, लेकिन लोग समझने वाले तो समझते हैं, जो ना नहीं समझना वो समझ के भी नहीं समझेंगे। और ऐसे जो भगत है ना, यहाँ अमेरिका में बहुत है, अमेरिका में भरे पड़े हैं भगत भैया, रहेंगे यहाँ पर, सारा अपना फॉर्च्यून यहाँ से बनाएंगे और चाटुकारिता करेंगे वहाँ की। वो जैसे कहते हैं ना मुसलमानों को इंडिया में कि खा यहाँ कर रहे हो और गुण आप पाकिस्तान के गा रहे हो, तो ये सारा तुम क्या कर रहे हो, तुम ही तो पाकिस्तान के गुण गा रहे हो, रहे तुम यहाँ पर सारा नाड़ा लटका के आए थे यहाँ पर, जहाँ पर था सारे पैसे नहीं थे तुम्हारे पास, जब तुम यहाँ मरते मरते पहुँचे और यहाँ पर आकर अब आपने अपने फॉर्चून बना ली है तो आपको भारत माता की याद आ रही है, तो भाई चले क्यों नहीं जाते वहाँ पर, बस चले जाओ ना, इतना ज़्यादा प्यार है। ऐसे ऐसे समझदार लोग जो भाई 10 मील दूर किसी के मुँह पे हल्का सा निशान हो ना, देख के पहचान देते हैं, ओहो उसके मुँह पे निशान है भाई साहब, और हमसे बैठ के पूछेंगे ये किसान है क्या, कि डिमांड क्या है भाई, अबे तेरे को पता नहीं है, तू खुद इतना समझदार है तो तू अपने आप सर्च कर ले। एनीवे बात करें वहाँ किसानों की, तो भैया दुनिया में जितनी रेवोल्यूशंस हुई है ना, वो चाहे इंग्लिश रेवोल्यूशन हो, चाहे फ्रेंच रेवोल्यूशन हो, और चाहे 1917 की रशियन रेवोल्यूशन हो, सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन किसानों का रहा है। आपकी 60% आबादी किसान है और बाकी 15% मजदूर। अभी तो मैंने जवान गिने नहीं इसके अंदर, भाई किस चक्करों में पड़े हुए तुम, जय जवान जय किसान, वो किसान ही हैं, सारे किसान हैं, जो मजदूर हैं वो भी किसान हैं, और जो यहाँ पे आके सेटल डाउन होके और बातें करते हैं ना भाई, वो भी किसान हैं, उनके बाप दादा भी किसान थे यहाँ पे, चाहे वो आईटी इंजीनियर बन गए हैं लेकिन उनके बाप दादा भी किसान थे। और आप हक की बात करते हैं, आप बात करते करते आप लोगों के ट्विटर अकाउंट बंद कर देते हैं, यूट्यूब अकाउंट बंद कर देते हैं। अबे तुम्हारा ट्विटर क्या तुमने बनाया है, तुम्हारा तो कुछ भी नहीं है ट्विटर, ट्विटर का तुम सारा टू नहीं बना सकते वहाँ पर। तुम्हारी जो लेबर यहाँ पे आके काम कर रही है उनको मौका मिला काम करने का जब, तो भैया अगर ये गूगल का CEO अगर कहीं इंडिया में होता ना, तो जिस तरह से आपकी अपॉर्चुनिटी है वहाँ पर, तो किसी आउटसोर्सिंग कंपनी में आज ओवरटाइम लगा रहा होता, यहाँ पे उसकी काबिलियत की कदर हुई तभी आज वो CEO है। तुम्हारे यहाँ काबिलियत की कदर, तुम्हारे वहाँ काबिलियत की कदर ना पहले थी और ना अब है। और ट्विटर और इस तरह के अकाउंट्स आप कभी नहीं बना सकते, क्योंकि आपके वहाँ पे ऐसा कोई जूस ही नहीं है जो क्रिएट करके कोई चीज़ अपना पैसा इन्वेस्ट करके फ्यूचर प्रॉफिट पे छोड़ दे, किसी में इतना जूस है ही नहीं। तो भैया आप ये देखें कि आपका जो पुलिस सिस्टम है, पुलिस डिपार्टमेंट है, वो भी अपने मैसेजेस व्हाट्सएप से ट्रांसफ़र कर रहा है। एक ऑफिसर से दूसरे ऑफिसर तक पहुंचने में उनको अमेरिकन सर्वर की ज़रूरत होती है। ये है आपकी प्रगति, स्वदेशी की बात करते हैं आप, ट्विटर स्वदेशी नहीं है, यूट्यूब स्वदेशी नहीं है, स्वदेशी वहाँ कुछ भी नहीं है भैया, स्वदेशी वहाँ पर सिर्फ धोतियाँ ही हैं, दैट्स इट, उससे ज़्यादा स्वदेशी कुछ और हो भी नहीं सकता। और आप इस वक्त उस कगार पे बैठे हैं जहाँ पे कभी इंग्लैंड फ्रांस और रशिया हुआ करता था। ऐसी ही चीज़ें रेवोल्यूशन को जन्म देती हैं। अगर आपके आसपास कोई समझदार आदमी है तो उसे सुने, उसे इग्नोर करके अपना चाटुकार मत बनाएं। शुक्रिया।